ज्ञान गठरी वाले सभी भक्तों को राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे अक्षय तृतीया के दिन सुने जाने वाली कहानी शेयर करने जा रही हूँ। कहते हैं इस कहानी को सुनने मात्र से ही अक्षय तृतीया के पूजन और व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। पहले आप अक्षय तृतीया के बारे में जानें। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी ना समाप्त होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों का कभी श्रेय नहीं होता, क्योंकि इस दिन किए जाने वाले सभी कार्य अक्षय हो जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि मनुष्य इस दिन जितने भी पुण्य कार्य करता है और दान पुण्य करता है, वह सभी कई गुना बढ़कर उसको मिलता है और शुभ फल का प्रभाव कभी भी समाप्त नहीं होता। इस दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान भी है और इस दिन भगवान विष्णु जी को चावल जरूर चढ़ाने चाहिए और तुलसी का भी भोग अवश्य लगाएं। इस दिन भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा आरती अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन की कथा सुनने से भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी इस कहानी को सुनता है और दान इत्यादि करता है, उसे सभी प्रकार के सुख संपत्ति धन यश और वैभव की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, धर्मदास नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। वह हमेशा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में सदस्यों की संख्या भी बहुत अधिक थी। धर्मदास भगवान में बहुत आस्था रखता था। एक बार उसे किसी ने अक्षय तृतीया का व्रत रखने की सलाह दी, जिसके बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखा और सुबह सुबह गंगा नदी में स्नान करने गया। उसके बाद उसने विधि विधान से भगवान की आराधना की। उस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंखा, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मण को अर्पित कर दी। इतना सब दान में जाता देखकर उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों ने उसे रोका। उन्होंने कहा कि अगर आप इतना कुछ दान में दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने कार्य से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मण को सब कुछ दान दे दिया। जब भी अक्षय तृतीया आती, इसी प्रकार दान पुण्य करता था। उसके जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियाँ आई, वह अपने कार्यों से विचलित नहीं हुआ। फिर इस जन्म के पुण्य फलों की प्राप्ति के रूप में अगले जन्म में वह राजा कुशावती के रूप में पैदा हुआ, जो बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख था, किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी तरह का अन्याय नहीं किया। उनके इस कर्म के रूप में अक्षय तृतीया का फल हमेशा मिलता रहा। जिस प्रकार भगवान ने धर्मदास के ऊपर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार जो भी इस कथा को सुनता है, उसे इस व्रत के शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं, वह इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।